हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चटकारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं काकरा पीठा की रेसिपी। ये ओडिशा की ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये भगवान जगन्नाथ को प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है सूजी, चीनी, यहाँ हमने ड्राई फ्रूट लिया है, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और यहाँ काली मिर्च और इलायची मिक्स पाउडर है, जिससे काकरा पीठा की रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें पड़ेगा ये ताज़ा नारियल, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पानी, हमने पानी पहले रख दिया था गर्म होने के लिए, ये गर्म हो चुका है। इसमें अब हम चुटकी भर नमक डालेंगे, एक टेबल स्पून चीनी डालेंगे और थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। अच्छे से पानी में मिक्स हो गया। अब इसमें हम सूजी डालेंगे। सूजी को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। जी अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम 5 मिनट कवर करके और गैस को ऑफ करके छोड़ देंगे। तब हम आज बना रहे हैं स्टफ्ड काकरा पीठा की रेसिपी। जब तक सूजी ठंडा होता है, तब तक हम स्टफिंग के लिए जो मटेरियल है उसको रेडी करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ कढ़ाई को रख दिया है, जो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम नारियल को डालेंगे। दो मिनट इसके भुनने के बाद इसमें हम चीनी को ऐड करेंगे और तब तक इसको भुनेंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट और इलायची और काली मिर्च के पाउडर को ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को गुड़ में भी बना सकते हैं, चीनी में भी, दोनों तरीके से बहुत टेस्टी बनेगी। स्टफिंग तैयार हो गया। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। पीठा का डो तैयार कर ले रहे हैं। इसको हम अच्छे से नरम गूंथ लेंगे, बिल्कुल आटे के जैसा। पीठे का डो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। स्टफिंग ठंडा हो गया है। अब हम हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इस पीठा की स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब हम इसमें डो में स्टफिंग को भरेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ ध्यान देना है कि स्टफिंग आप बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ये फटने का डर इसका रहता है और साथ ही ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा सूजी का काकरा पेठा तैयार हो गया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। कुछ को हमने मोदक बनाने वाली मशीन में डाल के मोदक का शेप दे दिया। आप चाहें तो मोदक भी ऐसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। के लिए हमने यहाँ तेल को पहले ही गर्म करने को रख दिया है। आपको सबसे ध्यान ये देना है कि तेल गर्म रहे, अगर थोड़ा सा भी ठंडा रहा तो काकरा। अब इसे हम फ्राई करते हैं। पीठा हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारा काकरा पीठा तैयार हो गया। अब इसे हम काट के आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ही लजीज दिख रहा है, अंदर से और बाहर से भी अच्छा दिख रहा है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।